हेलो गाइस एंड वेलकम टू बर्नआउट। तो आज हम लोग बैठे मर्सिडीज़ का इंफोटेनमेंट समझने के लिए। तो इसका इंफोटेनमेंट समझने के लिए बहुत बेसिक है, सिर्फ यहाँ पे प्रेस बटन दो बारी दबाना है। वन, देख सकते हो सिस्टम लोड हो रहा है, देन वन मोर और स्क्रीन लोड होनी शुरू हो जाती है। अब तो स्क्रीन लोड होगी, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन लोड होगी। तो स्क्रीन इसकी जो है टच स्क्रीन तो आपको मिलती नहीं है, देख सकते हो नो टच वर्क्स हियर। तो अब हम नीचे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसके स्क्रीन के बेसिक्स ऑप्शन आपको यहाँ पे कुछ कुछ मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ईजी। चल गए देखो, इसको हम कम कर देते हैं। ईजी टू यूज़ है, ड्राइविंग के टाइम पे ऐसा कोई नहीं इशू आपको लगेगा। यहाँ से आप क्या बोलते हैं, देख सकते हो आप डायनामिक सेलेक्ट में चले गए हम लोग, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या मोड्स रखने हैं। इको में हैवी गाड़ी जैसे कंफर्ट में जा सकते हो, ये सब और चीज़ें यहाँ से हो सकती है। बाकी अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप स्विच विच कर सकते हो। देखो जैसे रेडियो बदल रहा है, इसको सर को घुमाने से, ये सर को घुमाने से सब बदल जाता है। एंड यहाँ पर आपका लिखने वाला है उसको टच पर, जैसे कि आप अगर आप माउस यूज़ करते हो कंप्यूटर के अंदर, जो माउस होता है उसकी तरह ही इसका काम होता है। अब हम चलते हैं सबसे पहले होम पे, होम पे हम आ गए, रिटर्न कर देते हैं वहाँ से। यस हाँ, तो इसको हमने इसी सर्कल को जो करना है, हमें इसी डायल को हमें सब कुछ यूज़ करना है। सबसे पहले FM रेडियो स्टेशन, देन प्रीसेट्स आ जाते हैं, यानी कि आपके रेडियो स्टेशन आपने ऑलरेडी चुने हुए आपके फेवरेट्स है। देन वेव बैंड आपके रेडियो ढूंढता है ऑन एयर, ये वेराइटी ऑफ ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और हम बैक चलते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पे होम बटन जैसे ये देख सकते हो दबा दिया, तो रेडियो तो हमने कर ही लिया। नेविगेशन पर हमें क्लिक करना है, तो हमें दोबारा एक और बार क्लिक करना है नेविगेशन। और नेविगेशन आप देख सकते हो इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, कितनी खूबसूरत है, 12 इंच का आपको स्क्रीन मिलती है, तो इजीली वहाँ पे आप कर सकते हो। देन अगेन हम लोग बैक जाते हैं, रेडियो हमने देख ही लिया, मीडिया पे जाते हैं, मीडिया सेलेक्ट करते हैं, तो मीडिया के अंदर आपको मीडिया ऑप्शन मिल जाते हैं, अपना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइसेज और साउंड इन्फॉर्मेशन भी आप खुद ही कर सकते हो। अगेन हम लोग बैक जाते हैं, टेलीफोन पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड नंबर जो है, दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कौन से नंबर इसके अंदर है, सेटिंग्स हो गई, मैसेजेस। देन अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम लोग जाएंगे कनेक्ट फीचर पे। कनेक्ट यानी कि आपका ब्राउजर इसके अंदर ही कनेक्टेड होता है। देन मर्सिडीज़ बेंज की एप्स हो गई, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड इन्फॉर्मेशन ऑन कनेक्ट, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। व्हीकल सेटिंग्स, यह हमारी गाड़ी है, इसका एसी वेंटिलेशन अभी ऐसा चल रहा है कि ऊपर ठंडी हवा नीचे हॉट है, उस हिसाब से सेटेड है। डायनामिक सेलेक्ट आप कर सकते हो कौन से मोड पे गाड़ी चलानी है। असिस्टेंस, अगर आपको 360 कैमरा इसका चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा। कंजम्पशन यानी कि इंजन कैसे कंज्यूम कर रहा है आपका, सब कुछ इस पे मिलेगा। लाइट सेटिंग भी आप देख सकते हो आपको लाइटें कैसी चाहिए, तो अगर थोड़ा सा मैं चलो करके देखते हैं। एम्बियंट लाइटिंग कर ली हमने, एम्बियंट लाइटिंग में आपको इसके अंदर मिलते हैं अराउंड इंटायर व्हीकल, हम चलो कर देते हैं 4 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कलर जो है लाइट होता चला गया, 5 कर दिया हमने, 5 पे सबसे ज़्यादा ब्राइट है। फ्रंट पे करना है, रेयर पे करना है, सब कुछ आपका। कलर्स आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो 64 कलर्स इसके अंदर आपको मर्सिडीज ऑप्शन देती है। देन सराउंड लाइटिंग भी हम कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी साइड से क्या निकलती है ORVM से हो गई, वो सब उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। वापस हम बैक जाएंगे, व्हीकल सेटिंग्स पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो विंटर टायर लिमिट क्या होती है, बेल्ट एडजस्टमेंट, अकूस्टिक लॉक और ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो इसी से एडजस्ट। ओनर्स मैनुअल अगेन पैक करते हैं हम लोग यहाँ से। अभी अब सिस्टम में चले जाते हैं, तो डिस्प्ले एंड स्टाइल्स आप देख सकते हो, इनपुट्स, ऑडियो सिस्टम, कनेक्टिविटी, कमांड टेक, सारे आपको ऑप्शन के अंदर मिलते हैं। यूनिट्स आपको माइल्स के अंदर चाहिए, किलोमीटर्स में चाहिए, भी आपके ऑप्शन हैं। पर्सनलाइजेशन, किसका फ़ोन पहले कलेक्ट हो। सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन एयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको इसके अंदर गिवन है। एंड आप अगेन लास्ट में रीसेट का ऑप्शन मिलता है। तो ये थी मर्सिडीज़ का आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आपको कुछ और जानना है आप जान सकते हो हमें कमेंट करके यूट्यूब पे, एंड आपको हम बता देंगे अगर आपको कुछ और इसके अंदर कन्फ्यूजन लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस वॉज बर्नआउट।